आपसे जानना चाहेंगे, संथाल परगना प्रमंडल का दौरा कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या चाहते हैं? भाई प्रत्येक पार्टी का काम है तो पार्टी से और से दौरा करते ही रहते हैं, अपना संगठन को और मजबूत करना, कार्यकर्ता को और उत्साहित करना, और इस वक्त तो सेवा पखवाड़ा है, कार्यकर्ता को भी सेवा के प्रति और प्रेरित करना। 1932 के मामले में पार्टी का क्या रूप है? हम लोगों ने तो पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि अभी जिस समय इस वक्त जो झारखंड सरकार ने जो भी 32 को लेकर के एक प्रपोजल या प्रस्ताव कैबिनेट चलाई है, उसमें झारखंड के लोगों के हितों की बातें कम है, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए सरकार ने सब चीजें किया है, जो कि पहले भी जब अलग राज्य बना था उस वक्त हम लोगों ने स्थानीय और नियोजन नीति लाए थे, जिसमें 32 साल कोई कटअप ईयर नहीं था, उसमें इतना ही था कि पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स जिनके पूर्वजों का नाम है उनको स्थानीय माना जाएगा, और जिला स्तर के तृतीय चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति कर्मचारियों की नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और ये हम लोगों ने नहीं बल्कि बिहार के काल से ही चला आ रहा, तो 1982 से ही वो चला आ रहा, उसको हम लोगों ने अंगीकार किया था। फिर बाद में हंगामा हुआ, कोर्ट चला गया, कोर्ट ने उसको निरस्त किया। तो हेमंत सोरेन को अगर लाना चाहिए था उन कोर्ट की सारी चीजों का पहले तो अध्ययन करते, और कोर्ट ने जिन जिन बिंदुओं पर आपत्ति किया था पहले उनके वो निष्पादन किया करते, तब तो वो कानूनी रूप और ठीक से होता, नहीं तो फिर वो तो वो विवाद तो वहीं पर पड़ा हुआ है। फिर इस प्रकार के कोई भी प्रस्ताव लाना कहीं से भी वो विधि सम्मत नहीं, और हेमंत सोरेन भी इस बात को जानता है, इसलिए 2022 के मार्च में आप सबको याद होगा, वो भी वीडियो बिल्कुल ओपन है, सदन में उन्होंने खड़े होकर के कहा था कि 1932 संभव नहीं हो सकता है, कोर्ट इसको निरस्त कर देगी। तो सब कुछ वो जानते हुए इसको कर रहे थे, क्योंकि हेमंत सोरेन को पता है कि अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कुर्सी पर बहुत दिनों तक रहने वाले नहीं है, उन्होंने जो गड़बड़ किया है तो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और कुछ नहीं। हमने कहा कि सब चीज का अलग अलग मामला है, लेकिन ये जो नीतिगत मामला है महत्वपूर्ण विषय है, इस पर उन्होंने कुछ भी वर्क नहीं किया, सिर्फ राजनीतिक कारणों से उन्होंने इसको। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।